तो ये है जी हमारा तजुर्बा और माशाल्लाह ज़बरदस्त किस्म का हो गया है ये काम। ये मेरा परसिमोन जापानी फल या अमलोक सिर्फ लोग कह लें उसका पौधा है। ये वाली सब्ज़ मिर्चियाँ ये जो फ्रेश वाली हैं इनका टेस्ट और ज़्यादा अच्छा है, सॉल्टेड और क्रंची। पापा, मामा, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, आमीन। तो अभी आपको लग रहा होगा कि मैं किसी कबाड़खाने में बैठा हूँ, हालांकि ऐसा नहीं है। एक्चुअली मैं और फरहान साहब की गाड़ी का थोड़ा सा काम था, मामूली सा, तो वो करवाने आए हुए हैं और मैं इधर बैठा वेट कर रहा हूँ। फरहान भाई बाहर किसी काम से गए हुए हैं और जो मैकेनिक भाई हैं जिन्होंने काम करना है वो भी आई थिंक नमाज़ पढ़ने गए हुए हैं, वो आते हैं। तो फरहान साहब की गाड़ी वो बाहर खड़ी है, वो करते हैं चेक, मसला हल करते हैं हमारा, तो फिर निकलते हैं वापस। और जाके आज खेलना है बैडमिंटन, तो वो भी देखते हैं क्या बनता है। बैडमिंटन की गेम आज मज़े की होने वाली है क्योंकि आज हमारी जो टीम है चार बंदे, नुमान भाई, फरहान भाई, एजाज भाई, काशिफ और मैं, तो हम पूरे हैं, तो इंशाल्लाह मज़ा आने वाला है। शॉप में तो बहुत गंद लग रहा है लेकिन ये सारी चीज़ें जितने भी पड़ी हुई हैं ये सारी इनके काम की हैं, हमारे लिए हो सकता है गंद हो लेकिन जो समझने वाला बंदा है उसको पता है कि ये कितनी कीमती। ये रहा किसी गाड़ी का इंजन खुला हुआ है, पता नहीं ब्लॉक है या क्या बुला है, मुझे तो नहीं पता। फरहान भाई को गाड़ियों के बारे में बहुत इंफॉर्मेशन है, उन्हें पता होगा कि ये क्या चीज़ है। और ये भी किसी गाड़ी, बड़ी गाड़ी का है मेरे ख्याल में, जिसमें ये खोल के ट्रे बनाई हुई है उन्होंने, इसमें काम वगैरह करते हैं, ऑयल वगैरह निकालते हैं। ये जो हाथ है ये एक मछली मार्केट में है और इस मार्केट में ऑलमोस्ट सारे जो हैं वो मैकेनिक ही हैं। इधर पंजाब कॉलेज की बिल्डिंग है और ये जितनी भी लाइन है एक साइड पे इसकी बाहर वाली, दूसरी इसकी पीछे साइड पे, सारे जो हैं गाड़ियों के मैकेनिक्स वगैरह हैं। और फरहान साहब पक्का काम यहीं से करवाते हैं, काम आई थिंक फरहान भाई का हो गया, तो चलें पता करते हैं और फिर निकलते हैं वापस। ये रोड है जी सनम चौक से, अगर अंदर आए खन्ना पुल से तो आके हाईवे से निकलती है। और इधर मैं चार साल से तकरीबन सप्लाई दे रहा हूँ और जब भी मैं इधर आया हूँ इधर यही हाल हुआ है, बारिश हो या ना हो। सो अभी ये रमीज़ भाई की शॉप है, यहाँ पे देना है एक बिल जो कि ये लगा हुआ है सामान इनका और कुछ शॉपर में, तो ये देते हैं और फिर चलते हैं घर की तरफ। सो सामान दे दिया जी रमीज़ भाई को, अब निकलने का दिल तो नहीं कर रहा है दुकान से लेकिन जाना पड़ेगा, क्या करें मजबूरी है। ओए हो 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 भाई जान अंडा पक जाएगा यहाँ पे। हेलमेट भी अंदर से इस तरह गर्म हुआ है जैसे चूल्हे पे देख कर रखा हुआ है। अभी टाइम हो गया बैडमिंटन का और आज पक्का इरादा कि आज खेलना है। फरहान साहब मेरे ख्याल में पहुंच गए हैं, एजाज भाई, नुमान भाई भी आ रहे हैं, वो नुमान का कंफर्म नहीं है, एजाज भाई तो आएंगे और फरहान साहब खड़े हैं। सो निकलते हैं अब, तो उम्मीद के बिल्कुल मुताबिक एजाज साहब जो हैं आ गए हैं, एजाज भाई और फरहान साहब भी आ गए हैं। अब लगाते हैं नेट और शुरू करते हैं गेम। गेम की आज वीडियो नहीं बनेगी क्योंकि पहले मैं एक ऑलरेडी पूरा तो नहीं, थोड़ा सा व्लॉग बना चुका हूँ इस पे गेम पे। सो आज टाइम भी शॉर्ट है, लेट हो गए थोड़े लेकिन गेम आज लाजमी खेलेंगे। सो अभी हो गया है अंधेरा और हमने एक जुगाड़ किया है क्योंकि जो शटल है वो नज़र नहीं आती, तो इसमें ये लाइटर की लाइट होती है, लाइटर के अंदर जो सिगरेट लाइटर होता है, तो हमने वो लाइट निकाल के लाइटर से इसके अंदर लगा दिया शटल के। अब देखते हैं अगर ये तजुर्बा कामयाब हो गया तो मसला तो हल हो जाएगा। वैसे फरहान साहब ने लाइट्स भी वहाँ पर लगा दी हैं, वो बल्कि ऑन हो गई है लाइट, और इसका भी तजुर्बा करते हैं। तो ये है जी हमारा तजुर्बा और माशाल्लाह ज़बरदस्त किस्म का हो गया है ये काम, हमारा निज़ाम ज़बरदस्त चलेगा। फरहान साहब क्या ख्याल है? आह क्या बात है, इससे ज़रा गेम खेलें देखते हैं। वाह ज़बरदस्त। सर आप तो ना मिस करें ना।
ओए 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 देखे बाबा कैसे चुंडिया मार रहा है। नहीं करो कशान भागो नहीं मारो बेटा। कार जो है वो फुल सर्विस करवाई थी, उसकी दो रीजंस थी। एक तो गंदी बहुत ज़्यादा हुई थी, दूसरा मैं नीचे इसके डीजल या ऑयल वगैरह मारना चाह रहा था, क्योंकि अगर पीछे दो बंदे बैठ जाएं तो हल्का सा भी जंग लगे तो आवाज़ आ रही थी, जिस तरह ड्राई हुई होती है चीज़। लेकिन गाड़ी धुलवाते वक्त मुझे शदीद किस्म की टेंशन हो रही थी। टेंशन ये थी कि ये मैं पहले भी एक दो वीडियोज़ में बता चुका हूँ कि गाड़ी का जो है पेंट उतना वो शुरू हो गया। ये मैरान और सुजुकी बोलान और सुजुकी रावी में इन सब में ये प्रॉब्लम आई है, तो कुछ स्पेसिफिक मॉडल्स हैं उनमें। तो मुझे ये टेंशन थी कि वो खान लाला जब कपड़ा मारेगा ना सर्फ वाला तो ये कहीं उतर ना जाए। तो अल्लाह का शुक्र है फ़िलहाल तो बच गई है। ये एक जगह से हल्की सी उतरी है ये, और ये जहाँ से उतरी है उधर से इसने रंग भी उखाड़ लिया। ये बेसिक ये वाइनल है जो ये पैनाफ्लैक्स वाले जिस पर प्रिंट करके वो शीशु वगैरह पे लगाते हैं ये वो है। एक तो नॉर्मल टेप होती है वो एक दफ़ा लगाई थी लेकिन वो उतर गई थी, एक दफ़ा गाड़ी धुलवाई है। तो इससे अभी फ़िलहाल तो अल्हम्दुलिल्लाह बची हुई है, अल्लाह करे इसी तरह रहे। अभी जो है मेरा मूड हो रहा है शदीद किस्म का चने खाने का, तो चने में लेके आया हूँ। लेकिन इसके ऊपर ये जो चने खाते वक्त ये जो छिलका होता है ना, ये ना हो तो मज़ा नहीं आता, लेकिन ये हो तो टेंशन होती है, मतलब लेट चने मुँह में जाते हैं। तो अभी इनका छिलका उतारना है। सो चने जी हमारे हो गए साफ, उतने साफ तो नहीं हुए लेकिन पहले से बहुत बेहतर हो गए। सो अंजीर पे जो है अभी सुबह सुबह परिंदा आता है और उस पर चौंचे मार के वो तोड़ के चला जाता है, मतलब ख़राब कर जाता है। तो उसमें अगर एक दो बूंद भी पानी के गिर जाए तो वो ख़राब हो जाती है। सो अब मैं सुबह कोशिश करता हूँ जल्दी उठा करूँ और वो जो पकी होती है वो मैं हार्वेस्ट कर लेता हूँ। और इसी मसले से बचने के लिए ये मेरा परसिमोन जापानी फल या अमलोक सुर्ख अमलोक कह लें उसका पौधा है, तो इसके ऊपर मैंने इसको ज़रा सेफ रखने के लिए ये थैलियाँ थी मेरे पास, ये बिद जिसे कहते हैं हमारे एरिया में। यहाँ पे रिवाज है कि जब किसी के निकाह पे जाएँ तो वहाँ पे ये जो साथ में मान जाते हैं उनको इसमें ड्राई फ्रूट वगैरह डाल के और कुछ कैंडीज वगैरह मीठा कुछ वो डाल के देते हैं जो मेहमान हैं उनको। तो ये मेरे पास पड़ी हुई थी, मतलब कितने निकाह अटेंड किए हैं मैंने यार, माशाल्लाह अभी अंदर भी पड़ी हुई हैं। सो तो खैर वो मेरे पास पड़ी हुई थी, मैंने सोचा यार मैं पहले ही सोच रहा था इन पे कोई थैलियाँ वगैरह मैंने चढ़ानी है फ्रूट पे। इजाज़ भाई ने मशवरा दिया है कि यार ये भी इस काम आ सकती हैं, तो वो वाकई मैंने ये जो मेरे पास पड़ी थी वो मैंने इनके ऊपर चढ़ा के ऊपर से टाइट कर दी हैं और ये बिल्कुल वही थैली बनी। अमरूद के पौधे को मैंने इसकी प्रोनिंग की थी और अल्हम्दुलिल्लाह उसका रिज़ल्ट मुझे अब मिलना शुरू हो गया, क्योंकि ये छोटा सा पौधा है उसके साथ अमरूद देखें फ्रूट इतना ज़्यादा पड़ा हुआ है और हेल्दी फ्रूट है, मतलब पौधा भी बहुत हेल्दी है और फ्रूट भी जो है काफ़ी हेल्दी है। और ऊपर से ये जो है ये भी अच्छा काम कर रहा है इसके साथ भी और उस पौधे के साथ भी। ये जो टाइम है इस टाइम में अगर मुझे यकीन है कि ऑयल डाल के पैन में अगर आप अंडा उसमें रखें तो वो फ्राई हो जाएगा। गाड़ी के अंदर के हालात वो ये वाले हैं इस टाइम। कपड़ा डालता तो हूँ लेकिन आज सर्विस करवाई है, उसके बाद मैं कह रहा था डालूंगा लेकिन सुबह से लाइट गई रही है, अभी लाइट आई है तो किसी काम का दिल नहीं कर रहा, दिल कर रहा है बस पंखे के नीचे बैठ जाऊँ। कल जितना ही मौसम अच्छा था और जितना ही ज़्यादा इंजॉय किया था, आज उतना ही जो है यबन का डेटा हुआ है उतनी ज़्यादा किप निकली है, क्योंकि आज तो एक तो गर्मी इंतहा की है, ऊपर से लाइट वाले जालमों ने जो है ना सुबह से मतलब अजाब बनाया हुआ है। लाइट आती है जाती है, पहले तो 7:30 बजे गई है और अभी आई है 2 बजे के बाद, और अब फिर वही और मतलब आना जाना लगा हुआ है। ये आपने कौन कौन बनाया है बेटा? कशान, अच्छा अरियान, अली और ये अरियान है, ये कशान है छोटा वाला, ये अली है और ये अहमद। अच्छा अच्छा, और इधर ये कौन कौन बनाए हैं? पापा मामा। वेरी गुड, ताया इजाज़। वेरी गुड, बहुत अच्छे। और अब खाना है खाना। मम्मी जो है वो सफ़ेद साग बना रही हैं, लस्सी वाला साग। घर में कुछ साग के पौधे थे तो वो तोड़ा था मैंने सुबह, वो मम्मी को दिया है, वो बना रही हैं। तो
चल के देखते हैं जरा उसकी क्या कंडीशन है, नहीं तो फिर दाल के साथ ही खाना पड़ेगा। ये आ गया जी साग, इस पर तो अभी काफ़ी टाइम लगेगा, मतलब दाल पे ही गुजारा करना पड़ेगा, और साथ में अचार। होटल की रोटी में ये वाला मज़ा नहीं होता, ये जो थिकनेस होती है रोटी में और क्रंची पंसा। ये जो है दिन की रोटी में एक लाजमी इंग्रेडिएंट है, इसके बगैर मज़ा नहीं आता। इधर से निकाला जा रहा है जी अचार लहसुनों का और सब्ज़ मिर्च का। ये वाली सब्ज़ मिर्चें, ये जो फ्रेश वाली हैं, इनका टेस्ट और ज़्यादा अच्छा है, सॉल्टेड और क्रंची। तो अब बिस्मिल्लाह करते हैं रोटी की। ये आ गया अचार रोटी, ये आ गई मेरी सब्ज़ी, और वो रियान साहब ला रहे हैं दाल। तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है खाना वगैरह खा लिया है, लेकिन गर्मी में खाना खाने के बाद एक प्रॉब्लम सबके साथ होती है, वो ये है कि नींद आ जाती है बहुत शदीद, और अब मुझे भी बहुत शदीद किस्म की नींद आ गई है। बल्कि वीडियो पड़ी हुई थी एडिट करने के लिए, वो भी मैं सोच रहा था कि आज करूँगा, अभी वो भी हिम्मत नहीं हो रही कि उठ के वीडियो एडिट करूँ। तो अभी जस्ट थोड़ा फ्रेश होना है और सो जाना है। तो इसके साथ ही आज की वीडियो करते हैं ख़त्म। ये थी आज की वीडियो, आज का व्लॉग। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय ज़रूर का कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल में पहली दफ़ा हैं या मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और साथ में जो बेल नोटिफिकेशन भी प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाले तमाम वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। तो आप मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।